हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेंजर मरीनो। कल के लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि पायरोटेक्निक्स क्या होता है और पायरोटेक्निक्स में ऑरेंज स्मोक सिग्नल्स, रॉकेट पैराशूट, रेड हैंड फ्लेयर, ये सारी चीजें पायरोटेक्निक्स में आती है। तो पायरोटेक्निक्स का यूज क्या है, पायरोटेक्निक्स एक्चुअली पर्पज क्या है, और पायरोटेक्निक शिप पर कहाँ कहाँ पर होते हैं, उसके बारे में मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बात की थी। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑरेंज स्मोक सिग्नल एक्चुअली दिखता कैसे, उसे ऑपरेट कैसे करना है, और ऑरेंज स्मोक सिग्नल, मैंने ये बताया था कि ऑरेंज स्मोक सिग्नल ये डेलाइट सिग्नल है, आपको दिन में ही ऑरेंज स्मोक सिग्नल यूज करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, ऑरेंज स्मोक निकलेगा, और ऑरेंज स्मोक निकलने से सामने वाली शिप को, जो नियर बाय डिस्टेंस से जो शिप पास हो रही है, उस शिप को मालूम हो जाएगा कि आपका स्टेशन, आपका जो लोकेशन है, उस स्टेशन पे या उस लोकेशन पे कोई इमरजेंसी है और आपको असिस्टेंस की जरूरत है। अभी नाइट में तो आप ऑरेंज स्मोक सिग्नल यूज नहीं कर सकते, तो नाइट में क्या यूज करेंगे, नाइट में आप यूज करेंगे रेड हैंड फ्लेयर और रॉकेट पैराशूट। रेड हैंड फ्लेयर का डिस्टेंस, जो विजिबिलिटी होती है, वो कम होती है, और रॉकेट पैराशूट की जो विजिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, ये जो मेरे हाथ में है ये रॉकेट पैराशूट है। तो रॉकेट पैराशूट देखो, ये रॉकेट पैराशूट ऐसे दिखता है, ठीक है। रॉकेट पैराशूट को अभी इसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसे कैसे यूज करना है, और इसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और इसका कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोग देखेंगे। हर एक मैन्युफैक्चरर जो होता है, उसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होता है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो बाहट करने की जरूरत नहीं है। हर एक सेफ्टी इक्विपमेंट के ऊपर आपको हमेशा उसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। दोस्तों देखो, मेरे हाथ में जो है ना, इसे बोलते हैं रॉकेट पैराशूट। रॉकेट पैराशूट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखनी है, ऑपरेट करने के पहले एरो जो रहेगा, एरो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको ऑपरेट करोगे तो रॉकेट ऊपर से निकलेगा। यहां से देखो, यहां पर एक कैप लगी है और नीचे एक कैप लगी है, ठीक है। नीचे वाली येलो है, ऊपर की रेड है, और एरो की तरफ से, एरो के डायरेक्शन से रॉकेट बाहर निकलेगा। इसको ऑपरेट कैसे करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, ओपन द अपर एंड लोअर कवर। ये ऊपर का रेड वाला कवर निकालो, नीचे का येलो वाला कवर निकालो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टेक ऑफ द डैम्प प्रूफ पेपर, टेक आउट द पुल रिंग एंड पुल इट आउट। नीचे जो है ना, नीचे जो येल्लो है, येल्लो को खोलो, उसके अंदर एक पेपर लगा रहेगा, डैम्प प्रूफ पेपर रहेगा। पेपर को हटाओ, पेपर को हटाने के बाद में आपको एक अंदर रिंग मिलेगी, और रिंग को खींचो, रिंग को ऐसे खींचो, खींचने के बाद में यहां से ऊपर से रॉकेट निकलेगा। लेकिन जब आप इसको खींचोगे तो आपको इसको दूर की तरफ पकड़ना है, आपको इसे दूर पकड़ना है, ठीक है, ताकि एक्सीडेंटली रॉकेट आपके ऊपर ना आ जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, होल्ड योर हैंड्स फर्मली एंड लेट इट शूट वर्टिकली। इसको हमेशा वर्टिकली शूट करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली शूट मत करना, नहीं तो किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अभी इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस क्या है, फ्लेम कलर रेड, लॉन्च हाइट मोर देन 300 मीटर। मतलब जब इसको लॉन्च करोगे आप, लॉन्च करने के बाद में जो रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट 300 मीटर तक ऊपर जाएगा। बर्निंग पीरियड 40 सेकेंड, मोर देन 40 सेकेंड, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मोर देन 30,000 सीडी कैंडल पावर। स्टोरेज -30°C टू +65°, वैलिडिटी 3 ईयर्स। ये वार्निंग यहाँ पर लिखी है। और क्या है, इसको डिस्पोज कैसे करना है, जब इसका एक्सपायरी हो जाएगा तभी, ठीक है। इसके ऊपर और क्या है, एक्सपायरी लिखी है, देखो ये इसका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर के बाद में मैन्युफैक्चर डेट March 2021 और एक्सपायरी February 2024, ठीक है। February 2024 में ये एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रॉकेट पैराशूट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेड हैंड फ्लेयर कैसे दिखता है और उसे यूज कैसे करना है। हमेशा ध्यान रखना, रेड हैंड फ्लेयर, रॉकेट पैराशूट, इनका जो डायरेक्शन रहेगा, जो एरो रहेगा, एरो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा अगर ऑपरेट करोगे तो एक तो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, दूसरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।